बाबरी मस्जिद का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, CAA का कानून आया तो ओवैसी बिल को फाड़ेगा, ट्रिपल तलाक का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, NRC का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, बिलकिस का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा। खेड़िया में बच्चों को रोड पर लाकर सरेआम उनकी बेइज्जती करके पीटा जाता है तो ओवैसी बोलेगा। BJP और मोदी के खिलाफ अगर कोई खुलकर बोलेगा तो ओवैसी बोलेगा। UAPA का कानून BJP अमित शाह ने लाया तो हमने उसकी मुखालिफत की, सब साथ दे रहे थे। हम जब आपके लिए लड़ते हैं तो हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं। हम आपके लिए लड़ते हैं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझ पर झूठे इल्जाम नहीं लगा दिए जाते। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि भारत की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 MP हैं, और जब अल्लाह के फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में मैं या इम्तियाज जलील जब भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर 6-7 मिनट के लिए बोलते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जब हम खड़े होकर 5-6 मिनट की तकरीर करते हैं तो क्या आपको महसूस नहीं होता कि हाँ ये जो दीवाना जिसको लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वोट काटने का, ये दीवाना जब खड़े होकर पार्लियामेंट में आपके बारे में बोलता है तो हर आदमी ये कहता है कि हाँ ये जो अपनी जबान से अल्फाज निकाल रहा है ये हमारी तकालीफ को बयान कर रहा है, ये हमारी नाइंसाफी को भारत की पार्लियामेंट में उठा रहा है, ये इंसाफ के लिए लड़ रहा है। अरे बताओ फिर कौन तुम्हारी जबान में बोलता है, कौन आपकी तकालीफ को उठाता है भारत की पार्लियामेंट में? बाबरी मस्जिद का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, CAA का कानून आया तो ओवैसी बिल को फाड़ेगा, ट्रिपल तलाक का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, NRC का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, बिलकिस का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, खेड़िया में बच्चों को रोड पर लाकर सरेआम उनकी बेइज्जती करके पीटा जाता है तो ओवैसी बोलेगा, BJP और मोदी के खिलाफ अगर कोई खुलकर बोलेगा तो ओवैसी बोलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों सुनो मेरी इस बात को, जब सब खामोश बैठते हैं हम पुकार पुकार कर लड़ते हैं। UAPA का कानून BJP अमित शाह ने लाया तो हमने उसकी मुखालिफत की, है सब साथ दे रहे थे। तो मेरी जमालपुर की आवाम से, गुजरात की जनता से अपील है कि जो खामोश रहते हैं उनका साथ मत दीजिए, जो आपके लिए लड़ते हैं पुकारते हैं उनका साथ दीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी और वो छोटा रिचार्ज ये समझते हैं कि हम खामोश रहेंगे तब भी आप उनको वोट देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा के डर से आप उनको वोट देंगे। याद रखिए, अगर आप आपके लड़ने वालों का साथ नहीं देंगे और जो खामोश रहेंगे उनका साथ देंगे तो कहीं खुदा ना खास्ता वो हमेशा के लिए आपको खामोश ना कर दे। वोट डालना आपका अख्तियार है, मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम आपके लिए लड़ते हैं मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, हम जब आपके लिए लड़ते हैं तो हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं। हम आपके लिए लड़ते हैं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझ पर झूठे इल्जाम नहीं लगा दिए जाते, मगर मैं किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरा यकीन है कि मेरी इज्जत और मेरी जिल्लत का फैसला करने वाला यह कांग्रेस और दूसरी पार्टियां नहीं है, अल्लाह सुभाना व तआला है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों याद रखो मेरी इस बात को, अगर आप इस जलसे में आए हैं कि ओवैसी का भाषण सुनेंगे, जज्बाती तकरीर ओवैसी करता है, तो याद रखो जज्बाती तकरीर से बिलकिस बानो को इंसाफ नहीं मिलेगा, जज्बाती तकरीर से 723 फैक्ट्रियां नहीं खुल जाएंगी, जज्बाती तकरीर से जमालपुर वार्ड में लाइट का इंतजाम नहीं होगा, जज्बाती तकरीर से जमालपुर की गरीब जनता से इंसाफ नहीं होगा, जज्बाती तकरीर और जज्बाती अल्फाज से आपके जमालपुर में तरक्की नहीं होगी। अगर तरक्की होगी, नाइंसाफी का खात्मा होगा, तो आपको मुत्तहिद होकर साबिर काबुली वाला को यहां का MLA बनाना पड़ेगा। ये काम आपको करना है।